हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप यू ऑल आर गुड। सो देखो, आज की इस वाली वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपने एक नॉर्मल वीडियो को शानदार चमकदार बना सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले आप सभी को कैपकट ऐप को ओपन कर लेना एंड उसके बाद जो भी आपकी फीकी सी वीडियो है उसको आप यहाँ पर लेकर के चले आना। देन फिर आप सभी को यहाँ पर क्या करना, आप ये मेरी वीडियो, मेरी नहीं है वीडियो, बट ये आप वीडियो देखो क्या है, बिल्कुल इसमें फीकी लग रही है वीडियो एंड ऊपर से बैकग्राउंड भी ब्लर नहीं है। तो हम काम करना स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले इसका वाटरमार्क डिलीट कर देंगे लास्ट से। ठीक है, ये हो गया एंड इसके बाद हम वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट पे चले आते हैं। एंड सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमारा जो ये वीडियो है इसमें कुछ चमक लाते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही उदास, बहुत ही फीका सा लग रहा है। ओके, तो उसके लिए हम सभी को क्या करना है, ये जो वीडियो है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद नीचे ऐसा स्लाइड करना है एंड यहाँ पे आप सभी को दिखेगा एडजस्ट का एक ऑप्शन, इसमें आ जाना है एंड आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप ब्राइटनेस स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका वीडियो डार्क होएगा तो, ठीक है, बट मैं यहाँ से कॉन्ट्रास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कॉन्ट्रास्ट पर आने के बाद इसके अमाउंट को मैं इंक्रीज कर दूँगा अराउंड 20-25 ऐसा रखना आप सब भी। एंड इसके बाद फिर आप सभी को यहाँ पे सैचुरेशन दिख रहा है पास में, तो आपको सैचुरेशन पे आ जाना है एंड इसके अमाउंट को भी आपको इंक्रीज कर देना है। आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग ही रखना सब कुछ, तो मैं यहाँ पे अराउंड इतना रखता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद ऐसा सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे HSL दिख रहा है, इसमें आ जाना है एंड यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पहले पिक करना ग्रीन कलर को एंड इसका सैचुरेशन को इंक्रीज कर देना है, परफेक्ट। देन आपको जो ह्यू दिख रहा है ऊपर साइड में, इसको छेड़ोगे तो बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज होएगा, ठीक है। जैसे मेरे को थोड़ा सा येलो टाइप का चाहिए तो मैं माइनस में रखूँगा। ओके, एंड इस वीडियो में थोड़ा स्काई का कलर भी चेंज करना चाहूँगा, तो मैं सिंपल ब्लू वाले कलर पर शिफ्ट होऊंगा इधर। एंड होने के बाद इसका जो ह्यू है सिंपल, इसको अगर आप इंक्रीज एंड डिक्रीज करोगे तो वो जाएगा स्काइप इफेक्ट, आप देख लो। तो मैं इसे हल्का सा माइनस की तरफ रखता हूँ एंड सैचुरेशन को इंक्रीज कर देता हूँ, परफेक्ट। एंड अभी क्या करना, थोड़ा सा स्किन टोन का ना मेरे को लाइट बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर पर आ जाऊँगा एंड इसको देख लो, अगर आप माइनस एंड इंक्रीज करोगे तो ये पूरा स्किन पर जो है वो इफेक्ट जा रहा है, ठीक है। तो हल्का सा माइनस की तरफ रखूँगा एंड लाइट इंक्रीज करने के लिए लुमिनेंस को मैं यहाँ पर इंक्रीज कर दूँगा, परफेक्ट हो गया। एंड इसके बाद सिंपल आप सभी को भी एंड मैं भी यहाँ HSL से निकल जा रहा हूँ, ठीक है। एंड अभी यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होता है, तो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है इफेक्ट्स का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, एंड यहाँ पे वीडियो इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे लेंस दिख रहा है एक, तो आपको लेंस पे आ जाना है एंड देन यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लर का ऑप्शन, तो आप इस ब्लर को यहाँ पे सिंपल यूज़ कर लेना, परफेक्ट। आपको यहाँ पे डन करना है एंड डन करने के बाद ये ब्लर का ड्यूरेशन है इसको आप लोग अपने वीडियो के लास्ट तक कर देना, ठीक है जी। एंड अब क्या करना है वो देखो, आप यहाँ पे अगर चाहते हो ब्लर का स्ट्रेंथ बढ़ाना तो आप एडजस्ट पे क्लिक करके इसका अमाउंट को इस तरीके से वो आप जितना चाहो उतना रख सकते हो, ठीक है। तो मैं भी इतना रखता हूँ एंड निकल जाता हूँ यहाँ से। एंड निकलने के बाद अभी क्या करना है, आपका जो मेन वीडियो है ना, आपको अपने मेन वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पे नीचे साइड ऐसा स्लाइड करना है एंड यहाँ पे आपको दिखेगा एक डुप्लीकेट का ऑप्शन, तो आपको डुप्लीकेट कर लेना है इस वीडियो को। डुप्लीकेट करने के बाद आपको नीचे साइड में ऐसा स्लाइड करना है, देन आपसे यहाँ पे आपको दिखेगा एक ओवरले का ऑप्शन, तो आपको ओवरले कर लेना है। देन आपका जो ये वीडियो है डुप्लीकेट वाला, इसको आप लोग अपने मेन वीडियो के बराबर में कर लेना है इस तरीके से, परफेक्ट। एंड उसके बाद आपका जो ओवरले वाली वीडियो है इसके ऊपर आप लोग क्लिक करना। ओके, एंड क्लिक करने के बाद आपको नीचे की साइड में ऐसा स्लाइड करना है एंड यहाँ पे आपको नजर आएगा रिमूव वीजी करके ऑप्शन एक, तो आपको इस रिमूव वीजी में आ जाना है एंड यहाँ पे आपको ऑटो रिमूवल पे क्लिक करना है। ओके, एंड आपका यहाँ पे जो बैकग्राउंड जो रिमूव होने का प्रोसेसिंग वो स्टार्ट हो जाएगा एंड अभी आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे आपका बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, वो भी परफेक्टली। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। मैंने बताया तो शायद आपको लग रहा हो कि टाइम कंज्यूमिंग है, बट टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आप खुद से एक बार जरूर से ट्राई करना। ओके, एंड इसके बाद सिंपल फिर आप लोग अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। सो दैट्स दैट फॉर द टुडे, होप कि आज की वीडियो आप सभी को सही लगा होगा, हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, तो जो समझ में आए कर देना। एंड अगर आप लोग फुल कलर ग्रेडिंग का वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो, मैं जरूर से लाऊंगा, अगर कमेंट आएगा तो। भी ध्यान रखना, फिर बाय।